आप देख रहे हैं एबीपी इंडिया न्यूज, हर खबर सच के साथ। जनपद संभल के चंदोसी स्थित एसएम डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर काफी अफरा तफरी का माहौल है। चुनावी मैदान में उतरे छात्रों ने अपने पक्ष में वोट मांगने का सिलसिला जारी है। चुनावी मैदान में उतरे सभी छात्रों ने अपनी जीत मान रहे हैं, लेकिन वही प्रत्याशी विजयी हासिल करेगा जो छात्र छात्राओं को हितैषी होगा। संभल से विनोद राघव की रिपोर्ट। मैं अपने एसएम डिग्री कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार मौर्य है। मैं गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए कॉलेज में मैंने सभी बहनों से, भाइयों से और गुरुजी के चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद लिया है और निरंतर मैं अपील करता आ रहा हूँ अपने पक्ष में वोटिंग के लिए। बाकी अपने भाई हैं, बंधु हैं, सभी जो भी प्रत्याशी हैं सभी के लिए अपील कर रहा हूँ और सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि अपना प्रेम और आशीर्वाद और स्नेह हमारे ऊपर बनाए रहें। बस हमारे एसएम कॉलेज में चुनाव की घोषणा कर दी गई छात्र संघ चुनाव की और 20 दिसंबर को इसकी एक सूचना जारी कर दी गई थी और 9 जनवरी 2018 को इसका नामांकन होगा और 19 जनवरी जो है वो रखी गई है मतदान की। उसी दिन मतदान के तुरंत पश्चात मतगणना होगी। मतगणना के पश्चात चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी और उसके तुरंत बाद सभी चयनित प्रत्याशियों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। चुनाव के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था क्या क्या रहेगी यहाँ पर चुनाव के लिए? व्यवस्था हर साल होती आ रही,